फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में आप सबको इस वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूं जो कि अभी के वक्त इंस्टाग्राम के रील्स पर काफी तेजी से वायरल चल रहा है। तो अगर आपको अपना खुद का इस तरीके का वीडियो बनाना है तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस प्लस का आइकन पर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और आपको अपने यहाँ पर वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी वीडियो के ऊपर अपने इसका इफेक्ट को ऐड करना चाहते हैं, सो गाइस आपको अपना वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको इस ब्लू टिक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपका वीडियो आपके स्क्रीन पर इस तरीके से आ जाएगा। तो गाइस सबसे पहले अपने वीडियो के साउंड को फ्रेंड्स मैं वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके म्यूट कर लेता हूँ एंड आपको राइट पर क्लिक करना है एंड आपको अपने वीडियो के एंड पार्ट पर आके इसके वाटरमार्क को डिलीट कर लेना है। एंड इसके बाद गाइस आपको स्टार्टिंग पर आना है, आपको टैप टू एड स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको इस स्काई इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद गाइस आपके स्क्रीन पर इस तरीके से आ जाएगा। तो गाइस आपको इस स्काई वीडियो का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना स्काई वीडियो को आप इस तरीके से जूम करके गाइस आपको अपना स्काई पर इस तरीके से एडजस्ट वगैरह कर लेना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लास्ट तरफ आना है, एक आपको ऑप्शन मिलेगा मास्क का, आपको मास्क वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लाइनर वाले ऑप्शन पर आपको डबल क्लिक करना है एंड गाइस आपको इस तरीके से अपने स्काई इफेक्ट को अपने स्काई पर इस तरीके से गाइस आपको एडजस्ट वगैरह कर लेना है एंड आपको राइट पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस मैं अपने वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, कुछ यहीं तक रखूँगा। तो यहाँ पर गाइस आके मैं अपने सबसे पहले वीडियो को कट लगाता हूँ कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एंड इसके पीछे का पार्ट को गाइस मैं डिलीट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो आपको भी जितना अपने वीडियो को रखना होगा उतना आप रख लीजिएगा। एंड उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग पर आना है, सबसे पहले आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है फिल्टर का ऑप्शन, आपको फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको एडजस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सेचुरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड गाइस आपको इसे पूरा माइनस कर लेना है इस तरीके से एंड आपको राइट पर क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपको अपना स्काई वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से गाइस आपको फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एडजस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सो गाइस आपको सेचुरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे भी आपको पूरा इस तरीके से माइनस कर लेना है एंड आपको राइट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको ऊपर में एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है गाइस, आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करके सबसे पहले अपने वीडियो को आपको सेव कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको अपना प्रीक्वेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है जिस पर गाइस आपको ग्लो इफेक्ट ऐड करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर गाइस हमारा वीडियो सेव हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैंने अपने प्रीक्वेल एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, आपको भी ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस प्लस का आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर गाइस आपको अपने यहाँ पर वीडियो को सिलेक्ट कर लेना। गाइस आपने जिस वीडियो को सेव किया था उस वीडियो को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है एंड सिलेक्ट करने के बाद आपका वीडियो आपके स्क्रीन पर इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिलता है फिल्टर का, आपको फिल्टर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद गाइस आपको इस तरफ स्लाइड करके इस तरफ आ जाना है। एक आपको ऑप्शन मिलेगा रिट्रो का, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद गाइस आपको इस फिल्टर को ऐड करना होगा। आप नेम को देख लीजिए, इस नाम से होगा। एंड उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, फिर से गाइस आपको उसी फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर सबसे पहले फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, इसे गाइस आपको पूरा इस तरीके से माइनस कर लेना है। एंड गाइस सबसे पहले आपको ग्रेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसे भी गाइस आप इस तरीके से माइनस कर लीजिएगा। एंड गाइस आपको फेद को भी इस तरीके से पूरा आपको माइनस कर लेना है। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको और एक ऑप्शन मिलता है ग्लो का, आपको ग्लो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे गाइस आपको पूरा इस तरीके से प्लस आपको कर लेना है इस तरीके से। अभी आप देख सकते हैं गाइस हमारे वीडियो पर हमारा ग्लो इफेक्ट आ चुका है। इसके बाद आपको राइट पर क्लिक इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, फ्रेंड्स आपने वीडियो के स्टार्टिंग पर वीडियो पर नोटिस किया होगा कि गाइस उस वीडियो पर हमारा वाइड एंगल भी था, तो आप उसे कैसे ऐड कर सकते हैं, सबसे पहले आपको एडजस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, आपको स्लाइड करके इस तरफ आना है, एक आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना, आप इस नेम को देख लीजिए। सो गाइस आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, फ्रेंड्स आपको इस लाइन को इस तरफ लेकर आना है। अभी आप देख सकते हैं गाइस हमारे वीडियो पर हमारा वाइड एंगल इस तरीके से ऐड हो चुका है। तो आपको जितना भी रखना होगा फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से एडजस्ट वगैरह कर लीजिएगा। और इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, इसे गाइस मैं कुछ इतना रख लूंगा।
हो चुका है। एंड इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर गाइस आपको अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा वीडियो सेव हो रहा, हम कुछ देर वेट कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हमारा वीडियो यहां पर सेव हो चुका है, आपको राइट पर क्लिक करना है। इसके बाद गाइस फिर से आपको अपना बीएन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो बीएन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको इस प्लस का आइकन पर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड इसके बाद गाइस आपको क्या करना होगा, आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करना है। एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको इस ब्लू टिक पर क्लिक कर देना है। सो गाइस आपको इस वीडियो का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गाइस आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं गाइस यहां पर हमारा वीडियो आ चुका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सो गाइस आपको नीचे को ऑप्शन मिलता है वॉल्यूम का, आपको वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके वॉल्यूम को फ्रेंड्स आपको पूरा म्यूट कर लेना है। एंड आपको राइट पर क्लिक करके सो गाइस आपको उस जगह पर आना है जहां पर गाइस आपका टेक्स्ट के बाद गाइस आपका वीडियो क्लिप आता है। आपको मैं दिखा देता हूं, देख सकते हैं गाइस इस जगह से हमारा वीडियो क्लिप आता है। आपको हल्का सा बैक आना कुछ इतना में। एंड इसके बाद गाइस आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बैक आना कुछ इतना में, नीचे आपको कैंची का ऑप्शन मिलता है जो कि स्प्लिट का ऑप्शन है, आपको उसके ऊपर क्लिक करके आपको अपने वीडियो को कट लगा के इसके सेकंड पार्ट को डिलीट करना है। एंड गाइस आपको वाटरमार्क को भी डिलीट कर लेना है। इसके बाद आपको इस प्लस का आइकन पर क्लिक करके वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके गाइस अभी अपने जिस वीडियो को सेव किया था उस वीडियो को आपको सिलेक्ट करना है। एंड सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको इस ब्लू टिक पर क्लिक कर देना है। सो गाइस आपका वीडियो आपके स्क्रीन पर इस तरीके से आ जाएगा, अभी आप देख सकते आ चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, फिल्टर का ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से गाइस आपको एडजस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर गाइस आपको क्या करना होगा, टेम्परेचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सो गाइस आपको इस लाइन को इस तरफ लेके आना होगा। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर गाइस कलर टोन हमारा ऐड हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं गाइस हमारे वीडियो पर हमारा यहाँ पर कलर टोन आ चुका है कुछ इस टाइप से। आप तो यहाँ पर गाइस आपको जितना भी अपने कलर टोन को रखना होगा आप रख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो गाइस मैं कुछ इतना रख लेता हूँ। एंड इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको ह्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे भी अपने हिसाब से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं कुछ इसे इतना रख लेता हूँ कुछ इतना। देख सकते गाइस हमारे वीडियो पर हमारा कलर टोन ऐड हो चुका है। एंड आपको राइट पर क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको फिर से स्टार्टिंग पर आके आपको टैप टू ऐड म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड आपको इस प्लस का आइकन पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइस अभी आपने स्टार्टिंग पर जिस वीडियो को सेव किया था उसी वीडियो को आपको फिर से सिलेक्ट करके सो गाइस आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपके वीडियो से आपका साउंड इस तरीके से निकल के आ जाएगा। सो गाइस आपको अपने साउंड को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक कर लेना है। देख सकते गाइस हमारा इस तरीके से साउंड आ चुका है। उसके बाद गाइस आपको अपने वीडियो को ऊपर क्लिक करके आपको इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से गाइस अपने हिसाब से अपने इफेक्ट को आप ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इफेक्ट मिल जाता है, तो यहाँ से फ्रेंड्स मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, इस ग्रिल लेंथ को फ्रेंड्स आप इस तरीके से स्टार्टिंग पर लेके आके आपको गाइस एडजस्ट कर लेना है। एंड आपको राइट पर क्लिक करना है। देख सकते हैं गाइस हमारे यहाँ पर वीडियो बनके तैयार हो चुका है फाइनली। तो सबसे पहले इसे एक बार आपको ओपन करके दिखा देते हैं गाइस हमारा वीडियो किस टाइप से बनके तैयार हुआ है। तो गाइस आपने देखा कि हमारा वीडियो किस टाइप से बनके तैयार हुआ है, तो आप भी अपना इस तरीके का वीडियो बना सकते हैं। और गाइस अगर आज का आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरीके का ट्रेंडिंग रील्स वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आता रहता हूँ, तो मस्ट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट कर सकते हैं, या फिर गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके फॉलो भी कर लीजिएगा। तो अब आपको क्या करना है, अपने वीडियो को सेव करने के लिए आपको ऊपर में ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट का, आप उस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने वीडियो को आप सेव कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।